actually aware of me. We'll keep everybody on mute so that we can have the distraction minimum. Hi, Azim. Bahut sare purane students hain. I'll try to speak in English because people from Afghanistan and Tajikistan does not understand Urdu, sahi hai. So I'll try to speak slowly, but jinko problem hota hai, feel free. So inshallah, the idea is ke bahut ameer logon ko ye skill nahi sikha rahe because we don't want them to get more rich. But jo hard working youth hai, jo ek additional income banana chahta hai, whether you call it inflation, whether you call it joblessness, हम लोग बहुत सारी जगह काम करते हैं, वहाँ बेचारे एम्प्लॉयर्स ही नहीं है, बच्चे बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद जॉबलेस रहते हैं. तो इसीलिए ये डिसीजन मैंने लिया बहुत सोचने के बाद, बहुत दफ़ा ट्राई करने के बाद कि बिस्मिल्लाह करते हैं, लोगों को सिखाते हैं. अब एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पैसे अल्हम्दुलिल्लाह बने भी हैं और उससे ज़्यादा शायद तोड़े भी हैं. सो ये स्किल ऐसा नहीं है कि आपने कोई लर्निंग की और आपके पैसे बनते चले गए, और ना ही मैं कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज कर रहा हूँ या पैसे बना रहा हूँ. दिस इज़ अ फ्री सर्विस, सो दुआओं में याद रखिएगा. मगर ऑनेस्टली बात करूँगा, ग्रीड एक ऐसी चीज़ है जो कंट्रोल नहीं होती है. अब मैं आपको समझाऊंगा, जब आप डेमो पे काम करेंगे तो ग्रीड प्ले में नहीं आएगी, जब आप एक्चुअल पैसे लगाएंगे तो आपको पता चलेगी ग्रीड क्या होती है. क्योंकि जब आप थोड़ा सा भी सीख जाओगे ना, तो आपकी प्रॉब्लम होगी कि आप चाहोगे कि मैं और पैसे लगाऊं, मैं और पैसे लगाऊं, और उसमें आप इतना बड़ा लेवरेज लेना शुरू कर दोगे कि हल्का सा भी आपके अगेंस्ट द ट्रेड गया ना. मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा कुछ. अभी रिसेंटली बात है लास्ट हफ्ते की, बहुत अच्छी ट्रेड ली मैंने अपने लिए, बट अगेन मेरे 6 ईयर्स की प्रैक्टिस के बाद, और मैंने बहुत बड़े बड़े नामों से सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ज़्यादा खुद पढ़ के सीखा है. तो कहते हैं ना, लॉस करके सीखा है. क्योंकि जब तक तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, ये ट्रेड जो है ना, बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं अनफॉर्चुनेटली. मेरे भी शुरुआत वहीं से हुई थी, बट व्हेन आई लर्नड, और मैंने यूट्यूबर्स को पर्सनल पैसे भी दिए जस्ट टू लर्न, बट किसी को कुछ नहीं आता बिकॉज जो ट्रेडर्स हैं वो यूट्यूब पे नहीं है और जो यूट्यूबर्स है वो ट्रेड में नहीं है. ठीक है, क्योंकि जो ट्रेडिंग में पैसे बना रहे हैं उसको यूट्यूब चलाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, और लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हो, बगैर लाइव ट्रेडिंग अलग होती है. तो प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. ये ट्रेडिंग आपकी विंडो है, ठीक है, आपका चार्ट ऊपर जाता है तो भी नीचे आते हुए ऊपर जा रहा होता है. ठीक है, आपका चार्ट नीचे जाता है तो ऊपर आते हुए नीचे जाता है. ठीक है, और एक वो होता है जब आपका चार्ट फंस जाता है. ठीक है, प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, कोई भी चीज हो, कमोडिटी हो, ऑयल एंड गैस हो, फॉरेक्स हो, सबको मेरा नजर आ रहा है. कैन आई हैव थम्स अप? अच्छा, बहुत सारे लोग वीडियो ऑन कर लो, बिकॉज व्हेन यू टर्न ऑन द वीडियोस तो मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, राइट. मैं सबको म्यूट रखता हूँ, बट अभी यूएस के भी मेरे सेशन होते हैं, 200-200 लोग होते हैं, सबकी वीडियोज ऑन होती है, और हाईली पेड सेशन है ये, तो फ्री सेशन है आप लोगों का. तो मैं चाहूंगा वीडियोज ऑन रखो, बिकॉज बहुत दफ़ा मैं लोगों को पर्सनली भी नाम से पॉइंट करता हूँ. अच्छा, आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको सिंपली कैच करना होता है कि ट्रेंड क्या है मेरा. ठीक है, ट्रेंड जो है मेरा ऊपर है कि नीचे है, और आपको स्लॉट्स कैच करने हैं कि देखो ये स्लॉट यहाँ से यहाँ तक आपने ले लिया, नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ आपने टेक प्रॉफिट लगाया, बूम पैसे बन गए, राइट. फिर आपका चार्ट नीचे आया. देखो लाइफ में भी ऐसा ही होता है, आदमी कभी भी जीतता है ना तो कंटिन्यूस जीतनी होती है, थोड़ी सी मार पड़ती है, यू नो लॉसेज आते हैं. आई कैन सी सुल्ताना, उसने अभी चिकन फार्मिंग का एक्सपेरिमेंट किया था, राइट. सो ऊपर जाते आए थे, झटका आया, राइट, झटका आया तो छोड़ दिया. तो लाइफ में हम बहुत दफ़ा चीज़ें छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए, कुदरत हमें टेस्ट करती है, हमें मौका देती है. ये स्टॉक एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बिकॉज स्टॉक पूरा का पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स पे बना हुआ है. बहुत सारे लोग इसको गैम्बलिंग सोचते हैं, बैट सोचते हैं. इमाम अली का कॉल है कि जो चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आती ना, उसको तुम हेट करना शुरू कर देते हो. ये भी एक ऐसी चीज़ है, दुनिया के अमीर तरीन लोगों ने पैसा इसमें बनाया है. सो अगर बनाया नहीं होता, अगर कोई आर्ट नहीं होता, तो इतने पैसे नहीं बनते इसमें, राइट. हम लोग अगर यहाँ ट्रेंड में चले जाएँ सेल की जगह बाय में, तो हमें लॉस होगी. अच्छा, मार्केट मेकर्स कौन होते हैं?
मार्केट मेकर्स होते हैं वो लोग जो कि 2% इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और हम होते हैं रिटेलर्स जो छोटा छोटा पैसा लेके, चाहे 1 लाख डॉलर ही लेके क्यों ना बैठा, और रिटेलर ही कहलाएगा। हमारी कोशिश होती है कि हम एक भी अपॉर्चुनिटी ना छोड़े, इसलिए हम एक चीज करते हैं ओवर ट्रेड, ठीक है। और रिटेलर्स क्या करते हैं, मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, ये कंप्यूटर्स को ट्रेडिंग पे लगाते हैं। अब इसको अल्गोरिदम से कंफ्यूज मत करना, अल्गोरिदम जो छोटे छोटे सस्ते सस्ते हैं वो कोई ट्रेडिंग बॉट नहीं है, ये मैं सुपर कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने एक जनाब जिनसे ट्रेडिंग सीखी थी अमेरिका में, वो प्राइवेट जेट में आए थे, तो मुझे मौका मिला था देखने का कि सुपर कंप्यूटर्स क्या होता है, एंड दे मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और वो लाखों डॉलर चार्ज भी करते हैं ट्रेनिंग के। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोई भी असली चीज नहीं सिखाता, ना उन्होंने सिखाई, पैसे बहुत सारे लिए, बट हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह, जितना मुझे आता है मैं कोशिश करूंगा। तो हमारा क्या होता है, हमें, मैं जो भी आपको स्ट्रैटेजी सिखाऊं, इंटरनेट पे बहुत स्ट्रैटेजीज है, आपको इसमें ब्रूसली का कोट याद रखना है। ब्रूसली कहता है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ पर्सन जिसको 10,000 मूव्स आती हैं, मैं उस बंदे से नहीं डरता जिसको 10,000 स्ट्रैटेजीज आती है, मैं उस बंदे से डरता हूं जिसने एक स्ट्रैटेजी 10,000 दफा प्रैक्टिस कर ली होती है, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी 10,000 दफा प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा, ठीक है, मैं भी बहुत दफा गलत होऊंगा, बट बिकॉज सामने मार्केट मेकर ह्यूमन बॉट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स हैं जो कंटिन्यूसली सीख रही हैं कि आपको क्या करना है, और वहां से आपकी मिस्टेक उसको समझ आया ना, एक जगह पे एक रिटेल ट्रेडर सक्सेसफुल हो रहा है, वो उसको लॉस देने की कोशिश करेगा ताकि उसका कॉन्फिडेंस टूटे। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी स्ट्रैटेजी नहीं चल रही, इसका मतलब ये कि कोई तुम्हें रीड कर रहा है, कोई तुम्हें पकड़ रहा है। और एक चीज होती है जो कहलाते हैं इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहें होती हैं जहां पे लोग कहते हैं कि हमसे 10,000 डॉलर ले लो, हम 500 डॉलर की फीस लेंगे, टेस्ट दो दो हफ्ते का, 2 महीने का, एंड यू नो, पर उनके बहुत सारे रूल्स होते हैं, 5% लॉस नहीं होना चाहिए, 10% गेन होना चाहिए, उसमें से हम 50-50 करेंगे। बहुत सारे लोग पैसे बनाते हैं इनसे, लेकिन 90% लोग लूज करते हैं, तो वो 500-500 डॉलर की फीस लेके भी पैसे बनाते हैं। होता क्या है, ये इंस्टीट्यूशन की लॉजिक क्या होती है, ये आपकी स्ट्रैटेजी कॉपी कर रहे होते हैं। स्ट्रैटेजी इतनी बड़ी चीज है, अगर स्ट्रैटेजी इतनी आसान होती तो हर एक बुक में अवेलेबल होती और हर एक आदमी अमीर हो गया होता, राइट। और हर यूट्यूबर को यूट्यूब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो पैसे बना रहा होता ट्रेडिंग से, सीधी सी बात है ना। आर यू ऑल विद मी, कैन आई हैव कम सर, लॉजिक है। यूट्यूबर यूट्यूब क्यों बनाता है, एडिट करता है इतना, यू नो, दिमाग खराब करता है, द ओनली रीजन इज ही वॉन्ट्स टू मेक मनी थ्रू द व्यूअरशिप, राइट। ट्रेडर एक झटके में पैसा बना लेता है तो उसको यूट्यूब बनाने की जरूरत ही नहीं है। सो यूट्यूबर्स एंड ट्रेडर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, यू नो। वॉरेन बफेट आपको यूट्यूब पे नहीं दिखेगा, यू नो, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स नहीं दिखेंगे, तो टाइम भी नहीं। ओके, कमिंग बैक टू दिस, ये सबको क्लियर है। तो हमें बाइंग तब करनी है जब बाइंग की मार्केट है, हमें सेलिंग तब करनी है जब सेलिंग की मार्केट है, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। इसमें अगर आपने बाय कर लिया तो आपके सारे पैसे टूट जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसमें आप बाय करो, ये साइडवेज मार्केट है, ठीक है, बट इस मार्केट में छोटी छोटी बाय छोटी छोटी सेल होती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत स्लिपेज कॉस्ट बहुत आती है। तो आपको ये देखना है कि व्हाट यू आर डूइंग इज इन द राइट फेज। तो अभी हम कुछ चार्ट्स देखते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग चैट में कुछ लिख रहे हैं, आई कैन नॉट रीड इट राइट नाउ, बट जो भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप पर टाइप करो, ठीक है। और किसी को नजर नहीं आ रहा है तो थोड़ा जूम कर लो भाई, बिकॉज वो आपकी कंप्यूटर की सेटिंग्स का इशू है, ठीक है। किसी को इंटरनेट में बफरिंग हो रही है तो आपके इंटरनेट में आपको, एंड आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग माउंटेन्स में बैठे हैं, मेरा मकसद उन्हीं को सिखाना है ज़्यादातर, लेकिन ये कि आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपना ग्राफ क्लियर कर लूँ फिर मैं आपको, ठीक है। ओके, लेट मी नो अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ जाती है तो। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन, कैन आई हैव थम्स अप? ठीक है, साउंड्स गुड।
चलो तो मैं आज बीटीसी पे बात इसलिए करता हूँ, सैटरडे संडे है, बीटीसी इज द ओनली थिंग जो ओपन रहता है सैटरडे संडे को, ठीक है। अभी हम इसको पहले देखते हैं वीकली लेवल पे, ठीक है। मैं ये सब क्लीन कर देता हूँ क्लटर, ठीक है। वीकली लेवल पे देखते हैं, सिंपली 2000 से लेके 2004 तक क्या हुआ, बूम करके ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, बूम करके ऊपर गया, नीचे आया, ये साइडवे चल रही है मार्केट, ठीक है। इसमें छोटा छोटा अपसेल अपसेल हो सकता है, ये बूमिंग मार्केट थी, अब नीचे आया, बूमिंग, नीचे आया, बूमिंग, नीचे आया। इस कैंडल को देख के अगर हम देखो, मैं आपको ज्योमेट्री सिखाऊंगा, ठीक है, वो ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, अब आप आज आपको 8 क्लास की ज्योमेट्री पैसे बना के देगी, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि क्यों हमें ये चीजें सिखाई जाती है, इसका क्या मकसद है। देखो, पानी में बैठे हुए आप, एक हवा की वेव आई, नीचे गई, वेव आई और नीचे गई, देखो जितनी नीचे गई, यहाँ जितनी नीचे गई थी इससे ज्यादा नीचे गई है, करेक्ट? डू यू ऑल अग्री विथ मी, थम्स अप, ठीक है। तो जितनी नीचे गई थी तो ऊपर, तो इंसान जितना लाइफ में नीचे गिरता आती है उतनी ज्यादा ऊपर वाला आसानी भी देता है, करेक्ट है? स्टॉक फॉलो कर रहा है, राइट। अब ये नीचे गया है, अब मुझे ये बताओ ये कितना नीचे गया है, ये ज्यादा नीचे गया था फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम ज्यादा नीचे गया था, या ये थर्ड टाइम ज्यादा नीचे गया? इतना ऊपर जाके, अच्छा अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं, मार्केट 44% ऊपर गई थी, थर्टी फाइव परसेंट नीचे आई, तो जितनी ऊपर गई थी उससे नीचे कम आई, करेक्ट है? इस दफा देखते हैं, बड़े ट्रेंड पे सिखा रहा हूं, 505% ऊपर गई थी, ठीक है, 238 डेज, यानी 1 साल के अंदर 505%, जिन लोगों ने सुकून से लगा के छोड़ दिए होते उनके बन गए होता, वो सुकून नहीं होता ट्रेडर्स के पास, वो खाली बुक्स में मिलता है। 49% नीचे आई, कुछ भी नहीं, 505% ऊपर और 49 नीचे का बहुत कोई कंपैरिजन नहीं, 10 गुना नीचे आई बस। फिर 109% ऊपर गई, 109%, सेवेंटी फोर परसेंट नीचे आई, ठीक है, काफी नीचे आई। तो रिट्रेसमेंट का लॉजिक आप समझ रहे हो, 0.5% तक रिट्रेसमेंट हो रही है बिटकॉइन में, 338% ऊपर आई, ठीक है। अब अगर हाफ तक जा रही है तो 150% नीचे आ सकती है मार्केट, अगर ये देख लो। मैं अगर आपको एक बड़ा कॉन्सेप्ट दिखाऊं फिब्रोनाची का, रिट्रेसमेंट का, तो ये 50% कुछ इधर बन रहा है, यहां तक मार्केट नीचे आ सकती है, प्योर मैथमेटिक्स, बच्चा मैथमेटिक्स, यू नो, क्लास 8 मैथमेटिक्स। एवरीवन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी सो फार, या मैं तेज जा रहा हूँ, कैन आई हैव थम्स अप, या जो लोग व्हाट्सएप पे देख रहे हैं व्हाट्सएप पे लिखना शुरू कर दो, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ क्विकली क्विकली, ठीक है, गुड। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, सब क्लियर कर देता, अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अभी बहुत सारी न्यूज़ को फॉलो नहीं करना, ट्रेंड देख के न्यूज़ बनती है, न्यूज़ देख के ट्रेंड नहीं बनता, ठीक है, ये बड़े ट्रेडर्स कहते हैं। ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नहीं, मैं बेसिक ज्योमेट्री प्लॉट करूं, ज्योमेट्री क्या होती है, पॉइंट्स को मिलाओ, तो इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ गया टकराया, यहाँ गया टकराया, यहाँ गया टकराया, यहाँ गया टकराया, अब हमेशा टकराने के बाद नीचे आया है, हमेशा टकराने के बाद नीचे आया है, टकराने के बाद नीचे आया है, ये यहाँ रीसेंट टक्कर मारी है इसने, ठीक है, नीचे आएगा, देखते नीचे कितना आया, कोशिश करते हैं ज्योमेट्री को सेंस देने की। तो ज्योमेट्री के हिसाब से यहां तक बिटकॉइन नीचे गिरेगा, 50,000 तक नीचे गिरेगा, ठीक है। सो एक कॉन्फ्लुएंस, अभी न्यूज नहीं देख रहे हम, देखो न्यूज तो बनाई जाती है,
ज्योमेट्री झूठ नहीं बोलती, ज्योमेट्री एंड हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इसलिए जितने बड़े बड़े साइंसदान का है ना, आइंस्टाइन न्यूटन, ये सब मैथमेटिशंस था। बड़े से बड़े जो एस्ट्रोलॉजी है ना, जो मित्तल एंड इस तरह के लोग जिनको दिखाते हैं अपनी बिजनेसेस की फ्यूचर डिस्कस करने, वो भी मैथमेटिक्स के जरिए एस्ट्रोलॉजी। तो मैथमेटिक्स बैकबोन है खुदा की क्रिएशन की। ज्योमेट्री कह रही है कि ऊपर रेजिस्टेंस आया है, 3 दफा टकराने के बाद नीचे आया है, शायद हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी, आज भी टकराने के बाद नीचे आएगा। ये बात क्लियर है सबको? कैन आई हैव थम्स अप? तो बिटकॉइन हमें लॉन्ग रन में नीचे आते हुए दिख रहा है, सही है? ज्योमेट्री कह रही है कि लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन कितना डाउन है, डाउन कहाँ तक है, शायद 50K तक है। ठीक है, मैं कोई प्रिडिक्टर नहीं हूँ ना, मैं आपको बोलूंगा, अभी आप लोग और हम लोग सब लर्निंग कर्व में है, बट मैं आपको ये बताऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर लेना है। तो अब हम लोग समझ रहे हैं कि यार, अब छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आऊँ ना, तो ट्रेड यहाँ से ऊपर तक भी गई है। तो अगर आप इस गाड़ी में सवार हुए होते तो यू कुड हैव मेड 23%, राइट? कौन बोल रहा है इतना लंबा रुको, रोज भी तो ट्रेड किया जा सकता है। तो अगर 4 आवरली चार्ट पे देखें तो यहाँ 23% ऊपर हुआ है और यहाँ 23%, 17% डाउन हुआ है। आप बैंक में पैसे रखते हो तो 22% साल के मिलते हैं, वो भी पाकिस्तान में, अमेरिका में तो 6-8% मिलता है, राइट? दुबई में 3% मिलता है, उसमें भी कट कट आ गया, इसमें तो एक दिन में इतना है। बट सवाल है कि आपको ये ट्रेंड पकड़ना आना चाहिए कि भाई ये नीचे क्यों गिरा, क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहा था, आपको लगता कि भाई ये तो मैं इसके अंदर सवार हूं, एंड ये ऊपर गया नीचे आया, लेकिन ये ऊपर की सवारी में, ये थोड़ा सा नीचे आके वापस ऊपर जाएगा, राइट? लेकिन ये ऊपर तो नहीं गया, ये नीचे आ गया भाई। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगा होता तो वो कट जाता, एंड देन इंस्टेड ऑफ गोइंग अप इट वुड हैव कम डाउन, आपके सारे पैसे टूट गए, देख रहे हो? सो दिस इज व्हाट मार्केट मेकर्स डू, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो कॉमन चीजें ट्रेडर्स करते हैं या यूट्यूबर्स पुरानी पुरानी चीजें आपको सिखा देते हैं, जो जमाने उन सब के तोड़ बने हुए हैं, उन सब के सोल्यूशन वॉल स्ट्रीट में मौजूद हैं। आप यहाँ से ऊपर जा रहे हो, एक बड़ी कैंडल आई, लोगों को पता है कि आप यहाँ से लॉन्ग लोगे, ठीक है, और आप यहाँ पे जो है अपना यहाँ तक जाने की कोशिश करोगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ तक गया, और आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है, मार्केट आके आपका स्टॉप लॉस तोड़ेगी, थोड़ा सा नीचे जाएगी और फिर वापस ऊपर चले जाएगी। तो आपकी प्रिडिक्शन सही थी, बट आपका स्टॉप लॉस मार्केट को पता था, आपने और बाकी लाखों ट्रेडर ने कहाँ लगाया, तो वो आपके पैसे तोड़ के निकल जाएगी। ये बात क्लियर है सबको? आर यू ऑल इन सो फार? कैन आई हैव यस और थम्स अप? ठीक है, गुड। बहुत सारे लोग मेरे को पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, प्लीज डोंट पर्सनली मैसेज भी मैं नहीं देख पाऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे करो, इसलिए मैसेजिंग मैंने ओपन रखी है, ठीक है? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आज मैं आपको जो ट्रेंड में बताने जा रहा हूँ वो सिंपली ये है कि आप डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स ढूंढोगे, ठीक है? डबल टॉप्स और डबल बॉटम क्या होता है, ये मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। ठीक है, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ठीक ये कोई और बनाने की कोशिश कर रहा है, डोंट ड्रॉ ऑन एन आमिर, मुझे क्लासिक बोर्ड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सबको मैं वाइप ऑफ करता हूँ, तो पुराना डेटा था हमारा, ठीक है?
ओके, आपको ढूंढना क्या है? मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूँ। मार्केट ऊपर जा रही है, एक पॉइंट आएगा कि मार्केट एक जगह टकराना शुरू कर देगी, ठीक है? या तो वो सीधे लेवल पे टकराएगी, या तो वो टकराते हुए नीचे आएगी, ठीक है? फिर वापस ऊपर जाएगी, टकरा के नीचे आएगी। जब आपको डबल बॉटम डबल टॉप मिल जाए, आपको ये नोट कर लेना है, एंटर नहीं होना है, ठीक है? मैं आपको दो चार कॉन्फ्लुएंस बताऊंगा, बिकॉज बहुत सारे ट्रेडर्स ये भी करते हैं। डबल टॉप पे सेल कर दिया, डबल बॉटम पे बाय कर दिया, ठीक है? क्योंकि मार्केट मेकर्स को पता है हमें मार्केट मेकर्स को हराना है, और उनको हराना बहुत मुश्किल है, तभी रिटेल ट्रेडर इंस्टीट्यूशन से टकरा के अपने पैसे बनाता है। रिटेल ट्रेडर कितने हैं? 98% है। इंस्टीट्यूशन कितने हैं? 2% है, बट इंस्टीट्यूशन के पास 90% नहीं, रिटेल ट्रेडर के पास छोटा छोटा पैसा है, तो रिटेल ट्रेडर को हरा रहा है। द वॉर किसके बीच में? रिटेलर्स के बीच में, यानी आप में हम सब रिटेलर है, और इंस्टीट्यूशन जाइंट हैं, बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं, उन वो हमसे पैसा लेके बनाते हैं और हमें ही देते हैं, समझ आ रही है बात? इसलिए रिचर गेट्स रिच एंड पुअर गेट्स पुअर, राइट? और उनको पता है इंसान सामने वाला बैठा है, वो साइकोलॉजी का मारा है, वो ग्रीड में है, उसको एक दो दफा फायदा दोगे, वो तीसरी दफा सारे पैसे लगा देगा और उससे खींच लो सारा पैसा, यू नो? तो वो मैं डे वन से बता रहा हूँ, और बार बार आपको भी याद दिलाता रहूंगा अपने आप के लिए भी। तो अभी आप इसमें आके देखो चार्ट में, अगर मैं दिखाऊं आपको, तो इसमें मेरे साथ ढूंढने में मेरी मदद करो, ठीक है? डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स कहाँ पर है? एक इधर आपको दिख रहा है, ठीक है? ये मैंने 4 आवर पे देखा है ना, तो आपको ये नजर नहीं आ रहा है। अगर इसी चीज को मैं आपको 15 मिनट पे दिखाऊं, तो आपको ये बहुत क्लियरली नजर आएगा जो मैंने बनाने की कोशिश की है, सर्कल। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ से टकराया, नीचे गया, थोड़ा ऊपर आया, टकराया, नीचे गया, वापस इसी लेवल पे आया, टकराया, नीचे गया, फिर बूम नीचे गया। ये सेल पकड़ना चाहिए था हमको इधर, तो अगर हम लोग इधर होते तो हमने शॉर्ट पकड़ा होता यहाँ पे, स्टॉप लॉस होता हमारा इधर, और हम लोग लास्ट ट्रेंड तक फॉर प्रॉफिट में रहते हैं, समझे? कैसे बने? यस और नो? ठीक है, अब पकड़ा कैसे है आपने? अब होता क्या है, मार्केट यहाँ से टकरा के नीचे गई, हम लोगों ने वेट किया, इस दफा ये लेवल के ऊपर आ गई। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो अगर आप यहीं पे जज्बाती हो गए होते और आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होता कि भाई ठीक है मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस ये होगा क्योंकि ये मार्केट यहाँ से गिरी है, और मेरा फॉर प्रॉफिट क्योंकि यहाँ से 2-3 दफा टकराया है मार्केट, मैं इधर पैसे बनाऊंगा, अब क्या हुआ होता? मार्केट इधर आई, वापस मुड़ के ऊपर चली गई, और आपका स्टॉप लॉस तोड़ा, और आपने $100 लगाए थे वो खत्म हो गए, या आपने 10% का स्टॉप लॉस, देखो इधर स्टॉप लॉस था 1.79% और ग्रोथ था 2.92%। अब हम लोग लेवरेज पे काम करते हैं, अगर आपने 10 गुना लेवरेज दिया होता तो 17% पैसे टूट गए होते, $100 डाले होते तो $17 खत्म हो गए होते, राइट? और अगर प्रॉफिट होता तो 2.92% टाइम्स 10, 29% गेन हुआ होता, $100 लगाए होते तो $30 बन गए होते। कितनी देर में? 22:45 से 8-10 घंटे में, ठीक है? 15 मिनट का चार्ट है, एक कैंडल 15 मिनट की है, ये बात सबको क्लियर है? मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, थम्स अप करके बताओ मुझे। सो अब गेम क्या है कि आपको मार्केट को थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, आपको देखना है यार यहां पे आई मार्केट, और देखो मार्केट आपको लग रहा है एग्जॉस्ट हो रही है,
एक लंबी कैंडल बनी है, थ्रेड बना है, जब भी लंबे थ्रेड्स बनने लगे ना मार्केट नीचे जाएगी, एक बार याद रखो। एक और लंबा थ्रेड बना, एक और लंबा थ्रेड, इसको विक्स कहते हैं। एक चीज होती है कैंडल और एक चीज होती है वेक। अभी मैं आपको कोई EMA, CMA, RSI कुछ नहीं पढ़ा रहा, कभी कोई चीज आपको मैं रटाफाई नहीं कर रहा, मैं आपको सिंपली एक बेसिक लॉजिक बता रहा हूँ, बच्चों को भी समझ आएगा। ये बॉडी है कैंडल की और ये विक है। जब एक आदमी क्लिफ से लटका हुआ होता है, माउंटेन से लटका हुआ होता है, तो उसका हाथ लटक रहा होता है, राइट? उसकी बॉडी नीचे हैंग हो रही होती है, इसको इमेजिन करो। ये वही सिचुएशन है कि इंस्टीट्यूशन ने प्रिडिक्ट कर लिया था कि मार्केट नीचे गिरेगी, उसने सेल का ऑर्डर दिया, जबकि रिटेलर को लग रहा था ओ मार्केट तो ऊपर जा रही है, पैसे बनेंगे, नीचे आए। रिटेलर समझो, मुनीर ने पैसे लगाए हुए हैं, अजीम ने पैसे लगाए हुए, फरीद प्रमाणी ने पैसे लगाए, उसने बोला कोई बात नहीं ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ग्रीड है, इंस्टीट्यूशन वापस नीचे लाया, ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। अब मुनीर, अजीम, फरीद, रूमा, ये सब और पैसे लगा रहे हैं, दीज आर पुटिंग मोर मनी टू इट, राइट? ऊपर जाएगा, यहां तक जाएगा, देखो मेरी ज्योमेट्री कह रही है यहां से टकराएगा। इंस्टीट्यूशन ने बूम करके प्रेशर डाला, मार्केट नीचे ले आई। यहाँ मुनीम ये सबके हाथ पैर ठंडे हो गए, उन्होंने बोला निकलो मार्केट से बाहर निकलो, मार्केट सेल बोर्ड में आगे गिरी, हमने यहाँ पैसे तोड़ के बाहर निकले, इंस्टीट्यूशन वापस राइट करता हुआ ऊपर तक आ गया। समझ आई बात? हुआ क्या अजीम, क्या हुआ? एंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू शो देयर फेसेस, मैं अनम्यूट करूंगा थोड़ा सा क्विकली। मुनीर एंड ऑल, रूमा, एवरी वन जो भी लाइव क्लास ले रहे हैं, प्लीज टर्न ऑन द फेस। कोई फीस नहीं है, बट फीस ये है कि शो योर फेसेस ताकि वी कैन टॉक, बिकॉज ये लाइव डिस्कशन होगा। हाँ, क्विक क्विक इंस्ट्रक्टर ने अजीम, मतलब एक्सेप्ट मिसगाइड किया है। मिसगाइड किया है, और मिसगाइड किस बेसिस पे किया है? गुड, मतलब ये हम लोग को लालच देते हैं कि हम लोग को पैसा लगाए तो वो लालच लालच लालच, देर यू गो, पकड़ के रखना ये वर्ड, लालच, राइट? ठीक है मुनीर, क्या हुआ यहाँ पे? अनम्यूट करना पड़ेगा। मार्केट ने लालच ही दिया कि हम कर लें कुछ एक्टिविटी, लगा लें पैसा ताकि वो लेके चली जाए। लेके चली जाए, ठीक है। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, लालच कब दिया? जब आपका परफॉर्मेंस पीक पे था। अब आप अंदाजा करो, ठीक है, आपने लगाए थे $100, ठीक है, मैं छोटी ट्रेड की बात करता हूँ, मुझे $1 लाख के ट्रेडर को अब सिखाने की जरूरत नहीं, उसके पैसे बहुत बनते हैं, ठीक है, मुझे $100 वाले को सिखाना है। उसने लगाया 10x का लेवरेज, ठीक है, वैसे तो 500x भी मिलता है, तो वो 1000, $100 पे 500 लगा लेते तो $5 लाख का माल ले सकता था, बट हम 10x पे खेल रहे हैं। 10x पे उसको $1000 का बिटकॉइन मिल गया, ठीक है। एक बिटकॉइन कितने का था यहाँ पे? 62,850 का था, करेक्ट है? ये सबको समझ आ रही है कैलकुलेशन? तो उसको कितना माल मिला ₹1,000 में? उसको मिला 62,850 डिवाइड करो 1,000, तो उसको मिल गया माल 62,850 डिवाइड 1,000, उसको मिला, नहीं सॉरी, 1,000 डिवाइडेड बाय 62,850, .015 बिटकॉइन मिल गया उसको, ठीक है। यहां पे बिटकॉइन था 62,850 का, यहां पे हो गया था 65,815 का। 65,815 टाइम 0.015 करो, जितना बिटकॉइन आपके पास है लेवरेज पे, उधार दिया है ना आपको एक्सचेंज ने, छोड़ी सर्विस भी लेके, 65,815 टाइम 0.015, ये बन गए आपके $1,997, $987 बन गए, सॉरी। तो आपके पैसे लगाए कितने थे आपने? $100, और आपके कितने बन गए थे? 987। तो आपका प्रॉफिट हो गया था 9 गुना, आपने 108, आप $100 से $1,000 पे ले गए थे अपना बैलेंस। कितना ग्रीड होगा आप में? तो अजीम और मुनीर और फरीद तुरमानी ने बोला यार ये तो मजा आ गया, 1,000 बन गया भाई, कितने टाइम में बन गए? 26 तारीख को 8 बजे लगाए थे पैसे,
27 तारीख की सुबह देखने से पहले तो उन्होंने बोला अपनी अपनी वाइफ्स को, पेरेंट्स को, कि चलो भाई किधर खाना खाना है बताओ मुझे, मैं तो रेडी बैठा हुआ हूँ, ट्रेड क्लोज नहीं हुआ है। अब इंस्टीट्यूशन ने बोला अब मैं इसको पकड़ूंगा, यहाँ नहीं पकड़ा जब 100 के 200 हुए, यहाँ नहीं पकड़, यहाँ पकड़ा जब, और इसमें 10 वाले तो ट्रेडर कम थे, इसमें 20 30 50 गुना लेवरेज वाले बहुत होंगे, जिसको उसने यहीं पे निचोड़ लिया, जिसको उसने यहीं पे निचोड़ लिया, जिसने उसने यहीं पे, क्योंकि उनका लेवरेज बढ़ा था तो उनका स्टॉप लॉस भी बढ़ा था, समझे। अब 1% स्टॉप लॉस टाइम्स 10 10% होता है, लेकिन 1% टाइम्स 30 का स्टॉप लॉस 30% होता है, यानी $100 पे $30 यहीं पे तोड़ दिए उसने, बचे कुचे $30 यहाँ तोड़ दिए, बचे कुचे यहाँ तोड़ दिए, तो $100 खत्म हो गए, समझ आ रहा है। बहुत सारे लोग रेजोनेंट कर रहे होंगे कि किस तरह उनको लॉस होता है, ट्रेंड अप ही है, आपने बिल्कुल सही गेस किया था, ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर ही गया है, लेकिन आपके पैसे अब आपकी जेब में नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने लालच की ना, इंस्टीट्यूशन ने आपको बोला ले लो 10 गुना पैसे ले लो, 20 गुना ले लो, 100 गुना ले लो, कितने चाहिए, 500 गुना का लेवरेज लेता हूँ, वहां आप मर खा गए कि ठीक है यार पैसा बनाना तो बहुत आसान है, मैं $1 लाख के बिटकॉइन क्यों ना ले लूँ $100 डाल के, राइट। तो इतना सा मूव नीचे आया, अब यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए था एक और कॉन्फर्मेशन का जो कि थोड़ी सी ऊपर मिली, समझे। तो पहली कॉन्फर्मेशन इधर मिली कि यार एक आदमी हाथ पकड़ के लटका हुआ है, आसान जबान में विक बड़ी बनाई और नीचे आने को तैयार है, लेकिन आपने बोला नहीं ये मेरी ग्रीड से भी खेल सकता है, तो आपने बोला यार स्ट्रक्चर बनाता हूँ, WD Van को ले आए और आपने बोला ज्योमेट्री क्या कह रही है, आपने बोला ये चल रही है ज्योमेट्री, ठीक है, यहाँ जाके ट्रेंड टूट रहा है। अब देखो यहाँ WD Van वालों को भी कंफ्यूज किया इसने, ये ट्रेंड तोड़ने के लिए नीचे लाया और ऊपर ले गया, देख रहे हो, कुछ को यहाँ ट्रिक किया कुछ को यहाँ ट्रिक किया, उसको सब पता है सुपर कंप्यूटर्स को, रिटेलर खेल कैसे रहा है, राइट। तो यहाँ कुछ लोगों ने सेल का ऑर्डर डाला, उसने वापस बाय करके ऊपर तक ले गया, उनके भी पैसे थोड़े, समझ। तो आपने सेकेंड वीक का वेट किया इसी हाइट में, अब आप बोलो यार ये मेरा समझो के सेलिंग जोन है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपने बोला देखते हैं इस लाइन में कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूं ताकि वी ऑल नो वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिंग राइट नाउ, ठीक है। वापस मार्केट यहां तक आई, आपने बोला जबरदस्त यही तो मैं चाह रहा था, ठीक है, डबल टॉप मिल गया, बहुत सारे रिटेलर यहाँ खुश हुए, उन्होंने बोला जबरदस्त लगा दो स्टॉप लॉस इधर और घुस जाओ ट्रेड के अंदर, इधर पैसे बनेंगे ही बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता, दैट्स द वे टू गो लाइफ। यहाँ आपने स्टॉप लॉस मारा क्योंकि 2 दफा मार्केट यहाँ से स्ट्राइक है, और आपने बोला ले जाओ नीचे तक जबरदस्त, इधर बनेंगे अपने 4 टाइम्स का रेशियो, 25% लॉस 75% बेनिफिट। मार्केट ने क्या किया, उसको पता था रिटेलर क्या करेगा, डबल टॉप का कॉन्सेप्ट सबको पता है, वो वापस मार्केट ऊपर ले गया उठा के और सबके स्टॉप लॉस तोड़े, और जब पैसे खा लिए तो देखो नीचे लेकर आ गया यहां तक, समझ रहे हो बात को। तो प्रिडिक्शन बिल्कुल सही थी कि ट्रेंड नीचे आएगा यहां से, बट कब आएगा ये समझ नहीं आ रहा था, आपने बोला यार डबल टॉप के बाद नीचे आया तो वो वापस इतना ऊपर टॉप ले गया कि किसी का स्टॉप लॉस इधर था किसी का इधर था, इधर किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, बिकॉज इधर लगाने का मतलब होता है 1.75, अगर आपने 10 टाइम्स का लेवरेज लिया है मिनिमम जो कोई भी ट्रेडर लेता है, तो 18% स्टॉप लॉस कोई नहीं लगाता कि $100 में 20% में हारने को तैयार हूँ, कोई भी इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाता, इसने उसी ग्रीड का फायदा उठाया, क्योंकि इंसान क्या चाहता है यार मेरा 100 गुना प्रॉफिट बने बट खाली 2% लॉस हो, ठीक है, तो 20% स्टॉप लॉस कोई भी नहीं लगाता है, हम 10x की बात कर रहे हैं, राइट। तो उसने उन लोगों को तोड़ा, मार्केट बाहर आ गई, अब हुआ क्या, ये फेक इट था,
ये मार्केट मेकर्स ने फेक सिग्नल दिया, बहुत सारे लोग यहां से बाय ले लिए होंगे कि ओ मार्केट तो और ऊपर जाएगी, उन्होंने यहां से बाय लिया, उसने सेल कर दिया, समझ आई? तो रिटेलर जो भी हो, चाहे ज्योमेट्री का मानने वाला हो, चाहे ईएमआई क्लाउड को मान के खेलता हो, उसको सब पता है सुपर कंप्यूटर का, उसने सबका एनिकडोट बनाया और सबको तोड़ के बाहर आ गया, ठीक है? और यहाँ पे, और आपने बोला देख मैं बोला था ट्रेंड नीचे आएगा, बिल्कुल ट्रेंड प्रिडिक्ट करना कोई मसला ही नहीं, नीचे आएगा, बट आपके पैसे क्यों टूटे, वो खेलना आना चाहिए, राइट? क्योंकि आपकी ग्रीड कंट्रोल में नहीं थी। और हम लोगों का मसला है कि हम लोग सब $100 लगा के चाहते हैं कि हमारे $100 महीने के बन जाए। अगर $100 लगा के $100 महीने के बनते, तो वॉरेन बुफेट जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, उसका महीने का प्रॉफिट 8.5% नहीं होता, ठीक है? दुनिया का सबसे बड़ा बर्कली शेयर का ओनर वॉरेन बुफेट का महीने का प्रॉफिट है, साल का प्रॉफिट है 8.65% देता है वो इन्वेस्टर को, ठीक है? तो अगर वो साल के 20% भी बनाता है, और आप बोलो यार मैं तो दिन के 20% बनाऊंगा, तो कोई गड़बड़ है, राइट? अच्छा, अब आप ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करो। समझो यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ वापस डबल टॉप आ रहा है, आपको दिख रहा है 1 और 2। आपने बोला चलो ये ज्योमेट्री को मैं एक्सटेंड करता हूँ, मैं ये लाइंस बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लाइंस 1, 2, 3, 4, 5 दफा मिल गई, ठीक है? जितनी दफा लाइन ट्रेंड लाइन पे जंप खाएगी, उतनी ज्यादा वो ट्रेंड लाइन मजबूत हो जाएगी। लास्ट टाइम वो ट्रेंड लाइन 1, 2 और 3 दफा टकरा रही थी, इस दफा 1, 2, 3, 4, 5, 6 दफा टकराई है, 2x कॉन्फर्मेशन हो गई। ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है ना तो बहुत मजबूत। अब ये ट्रेंड लाइन टूट गई, अब आप देखो क्या हुआ, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिले। वो ट्रेंड लाइन भी टूटी थी, बट उसने फौरन से नीचे ला के ऊपर ले गया था, राइट? आपको डॉज दिया था बेसिकली इन शॉर्ट वर्ड्स। अभी यहां पे क्या हुआ, नीचे आई वापस ऊपर गई, वापस ट्रेंड लाइन पे जंप खाई, वापस ऊपर हुई, अब ये ट्रेंड लाइन तोड़ी। अब आपने बोला भाई ये भारी ट्रेंड लाइन है, अब ये टूटी ना, अब मैं एंटर हो रहा हूं, ठीक है? ये आपका एंट्री पॉइंट है, याद रखो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6 दफा टूटी है। अब आपने यहां से लिया शॉर्ट, मार्केट जाएगी नीचे, लेकिन आपने बोला मैं सबसे ऊपर जो यहां तक आई है ना, यहां तक बर्दाश्त करूंगा, स्टॉप लॉस 1.39 है, और आप बोलो यार मार्केट कहां से जंप खाई थी, मैं वहां तक ले लूंगा नीचे, ठीक है? अब आप देखो मार्केट यहां आप गए, अब आपका बीपी बढ़ना शुरू हो गया, क्यों? क्योंकि मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है ना, यस और नो? आपका लॉस दिख रहा है, $100 लगाया ना, इधर आपका -80 हो गया। आपने बोला नहीं भाई फरीद सर ने गलत बताया है या मैं गलत गया हूं, आपने एग्जिट किया ट्रेड और आप बाहर आ गए। आपको एग्जिट नहीं करना, आपको बोलना है ये मैंने $20 का नुकसान बर्दाश्त कर लिया है, दैट्स इट, मैं या तो ये घटेगा या तो ये कटेगा, या तो मैं प्रॉफिट लेके बाहर आऊंगा, मैं बीच में ट्रेड क्लोज नहीं करूंगा। देखो इसने वापस आपके सही होने के बावजूद आपकी साइकोलॉजी से खेला, ग्रीड से खेला, आपको प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन लॉस बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने ट्रेड क्लोज किया कि नहीं यार गलत हो गया मेरे से, और इसने नीचे लाके वापस प्रॉफिट दिखा दिया। आपने होल्ड किया, बर्दाश्त किया, ऊपर वाले का नाम लिया, बोला नहीं नहीं ये नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब देखो हो क्या रहा है, ये ट्रेंड लाइन जिस पे पहले ये बाउंस कर रहा था, अब इसने इससे टकराया, और अब ये ट्रेंड लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस बन गई। पहले ये बाउंस कर रही थी, अब ये हिट करके वापस आ रही है, ये हिट किया नीचे आया, पैसे बने। आप ट्रेड में अभी भी हो, क्लोज नहीं हुआ, वापस आपका बीपी टेस्ट किया, बोला कोई बात नहीं मैं सॉलिड आदमी हूँ, छोटे छोटे नुकसान से नहीं डरता, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, या और ऊपर ले गया, आपका वापस बीपी बढ़ा। आपने बोला नहीं भाई ये बार बार डबल बॉटम बन रहे हैं, ये ऊपर जाएगी मार्केट, उसने बोला नहीं। बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट
$100 पे $5 लेके बाहर निकल गए होंगे कि नहीं यार ये तो वापस ऊपर जा रही है। ठीक है, उसने उन सबको हराया। अब इसने बोला जो जो पेशेंस में है, लंबी रेस का घोड़ा है, आ जाओ, $100 पे $100 बन गए और हमारा प्रॉफिट यहाँ क्लोज हुआ और मार्केट देखो यहीं तक गई। क्लियर है? तो हुआ क्या, ये चीज को यूट्यूबर या थ्योरेटिकल एकेडमिक्स वाला आदमी नहीं सिखा सकता क्योंकि उसके कभी पैसे नहीं लगे थे। और आप डेमो ट्रेडिंग पे सीखोगे ना तो आपकी साइकोलॉजी नहीं बनेगी क्योंकि आपके पैसे नहीं लगे हैं। ये समझ तभी आपको आएगी जब आपके पैसे लगे होंगे। लेकिन आपको वेट क्या करना है, हमने क्या किया टेक्निकली, हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा कि बिटकॉइन ज्यादातर सेल की पोजिशन में जा रहा है। मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है? हमने देखा यार ओवरऑल ज्योमेट्री ये कह रही थी कि ये ऊपर से अभी अभी टकराया तो एटलीस्ट यहां तक नीचे आएगा, तो इसका मतलब है सेल बड़ा होगा और बाय छोटा होगा छोटे टाइम जोन पे। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? ओवरऑल बिटकॉइन सेल ज्यादा करेगा, बाय छोटा करेगा, बिकॉज उसको यहां से यहां आना है। अब आप 4 घंटे के टाइम जोन पे चले गए, आपने देखा यार रिसेंटली ये टकराया है, हो सकता है वापस टकराए, हो सकता है यहां तक टकरा के नीचे आ जाए, करूंगा। ठीक है, अब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए, 15 से छोटे में ट्रेड नहीं करना क्योंकि तो बहुत फेक इट होगा। अभी आपने देखा 15 मिनट पे भी कितने फेक सिग्नल्स मिले, राइट? अब आप 15 मिनट पे आए और आपने बोला कि देखो हो क्या रहा है, इधर स्ट्रक्चर ढूंढ के दिखाओ मुझे, जैसे मैंने यहाँ स्ट्रक्चर ढूंढा था ना, हमने यहाँ से ट्रेंड टूटने का वेट किया, मार्केट नीचे आई, हमने बोला यार ट्रेंड, अब इधर एक और ट्रेंड क्या बन रहा है। कितने लोगों को समझ आ रहा है और कितने लोग कह रहे हैं आज की क्लास यहाँ पे खत्म कर दो, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, रेज योर हैंड्स, चैट पे लिखो वरना मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ क्विकली। कितने लोग कह रहे हैं मैं एक और ट्रेड सिखाऊं आज की? कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, गुड। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं? ठीक है, अब देखो मार्केट ने यहाँ बाउंस करना शुरू किया। मैंने बताया ना जहां मार्केट बाउंस करना शुरू कर रही है उसको जोन बना के स्टडी करना शुरू कर दो कि हो क्या रहा है, मगर जब तक एंटर नहीं करो, जब तक ट्रेंड नहीं टूटे। रेक्टेंगल कहाँ गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, इतने एडवांस टूल्स डाल दिए कि बेसिक टूल गायब हो गए। तो ये मार्केट बार बार यहां से टकरा के ऊपर जा रही है और यहां पर आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो हनी बीज क्या करती है या मक्खी रोज फ्लावर पे क्या करती है, आती है स्टिंग करती है, वापस जाती है अपने घर पे खाना छोड़कर आती है, आती है स्टिंग करती है, हनी उड़ाती है, वापस जाती है घर पे। इंस्टीट्यूशन इस वक्त पैसे ले रहा है, बाय ऑर्डर ले रहा है, वापस नीचे आ रहा है, बाय ऑर्डर ले रहा है, नीचे आ रहा है, बाय ऑर्डर ले रहा है, नीचे आ रहा है। अब मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये वापस नीचे आए या ये यहीं से रैली अप कर जाए। हमको पता है ये सेल ऑर्डर ही है, हमने बड़े टाइम पे देख लिया सेल ऑर्डर है, तो हमको लेना सेल ऑर्डर ही है, बाय ऑर्डर नहीं लेना। ये बात सबको क्लियर है? अब आपको यहाँ पे ग्रीड आ रही है कि यार मेरे को ये समझ आ रहा है ट्रेंड, ठीक है ट्रेंड बनाते हैं। डाउन ट्रेंड क्या था, एक दो तीन यहाँ पे चार, ठीक है पांच, यहाँ पे ट्रेंड टूट गया, इसने यहाँ आके तोड़ने की कोशिश की, नहीं वापस नीचे आया, वापस ऊपर आया, वापस तोड़ी, नहीं वापस टूटा, नहीं यहाँ इसने ट्रेंड तोड़ दिया। ठीक है, मोस्ट लाइकली आप चाहो तो दो कॉन्फर्मेशन हो गई है, एक डबल बॉटम आ गए, दो तीन दफा टकरा गई है लाइन से, दूसरा ट्रेंड टूट गया। आज मैंने दो रूल सिखाए, डबल टॉप ढूंढ लो, डबल बॉटम ढूंढ लो, ये क्लियर है? लेकिन जब तक ट्रेंड लाइन नहीं टूटती और ट्रेंड लाइन ऐसी वैसी नहीं मजबूत, कम से कम 3 4 दफा रोका उसने, जब वो टूटती है, देखो 6 दफा वाली ट्रेंड लाइन टूटी तो कितना नीचे गया, ये 4 दफा वाली ट्रेंड लाइन, राइट?
हमारी कॉन्फर्मेशन पर आ रही है। हम अगर यहाँ पे लॉन्ग जाते हैं, समझो अगर हम यहाँ लॉन्ग चले गए होते हैं और हमने कहा कि यार यहाँ तक लॉन्ग ले ले, लास्ट टाइम यहाँ आई थी और ये थोड़ा सा इस बॉक्स के बाहर, तो हमने 2.34% का लॉस लेने के बराबर 8% का प्रॉफिट, यानी 3 टाइम्स गेन। लेकिन मैं आपको ये ट्रेंड लेने को नहीं कहूंगा, क्योंकि मार्केट आप चाहो तो ले सकते हो अभी ये ट्रेंड, ठीक है? अभी के लिए सिग्नल चाहिए तो यहाँ एंटर कर जाओ। अभी थोड़ा सा निकल गया है ट्रेंड, लेकिन मेरे हिसाब से ये वापस नीचे आएगा। जब ये नीचे आया ना तो पकड़ लेना इसको, ठीक है? बाय में चले गए और यहाँ तक मत जाना, हो सकता है ऊपर तक ना आए, हो सकता है यहाँ तक आए। अभी आप 1:2 रेशियो में भी खेल लोगे ना, आपने बोला यार मैं $100 लगाता हूँ, ठीक है, और 10x की लेवरेज लगाता हूँ, ठीक है, तो आपको बिटकॉइन मिल गया जो भी मिलता था, राइट? यहाँ तक का लॉस होता है 2.34%। 2.34% टाइम्स 10 यानी 23% का लॉस हो जाएगा, $100 पे $23। छोटा लॉस है, बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। 1/4 पैसे निकल गए आपके, तो $1,000 होते तो 250 निकल जाते, $1,00,000 होते तो $25,000 निकल जाते, राइट? लेकिन अगर पैसे बनते तो कितने बनते? प्रॉफिट हमारा था 4.72, 4.72% टाइम्स 10, 47% बनते हैं, यानी $47 बनते हैं आपके, $100 दो चार घंटे में $150 हो जाते हैं, राइट? आप सब खुश हो रहे हैं, यू सी स्माइल ऑन द फेसेस, राइट? लॉस भी ज्यादा दिमाग में रखो, प्रॉफिट भी रखो, क्योंकि ये मैंने आपको समझाया था कि वीकली हिसाब से सेल की पोजीशन ज्यादा बनती है। मैं आपको ये बोलूंगा इस लॉन्ग ट्रेड में नहीं जाओ, आप इसको थोड़ा ऊपर आने दो, इसको वेट करो, ये जब यहां तक आ जाए ना, मैं आपको पाठ समझाता हूँ इसका। ये यहां से निकला है, ये वापस यहां तक आएगा, ठीक है, फिर ये यहां तक जाएगा, तो आपने प्रॉफिट बनाना है तो बना लो। अभी आपको ऑलरेडी 1:2 मिल रहा है, विच इज अ गुड, बट अगर यहां तक, यहां तक, यहां तक, हो सकता है यहां तक भी आ जाए। जब ये यहाँ पे आएगा ना, और जब ये 2-3 दफा टकराएगा, और आपको दिखे कि यार अब ट्रेंड लाइन इसने तोड़ दिया है, ये ट्रेंड लाइन इसने तोड़ दिया यहाँ पे, तब आप घुस जाना उसमें शॉर्ट की पोजीशन में। और अब आपको कितना बेनिफिट मिलेगा मैं आपको सिखाता हूँ, आपको यहाँ से शॉर्ट का यहाँ तक का प्रॉफिट गेन मिलेगा, समझे? तो ये था 1:2, ये है 1:5, यानी यहाँ $23 नुकसान करके $200 बन जाते हैं। तो आप $23 से नहीं खेलो ना, आप सिंपली एट ए टाइम 10% से ज्यादा लॉस नहीं लो। आपका लकी नंबर निकालो, क्या है, 5 है 6 है 8 है, 10 के ऊपर लकी नंबर नहीं होता, 11 किसी का लकी नंबर नहीं होता, 12 नहीं होता, हमेशा 1 डिजिट लकी नंबर होता है, मैक्सिमम इज 9। आप 10 से ज्यादा नहीं जाओ, तो अगर आपके जेब में $100 है ना, तो आप $10 का लॉस लेने को तैयार हो जाओ। तो आप जब कैलकुलेटर में डालोगे तो आपको यहाँ दिख रहा है कि भाई 1.39, अब 1.39 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना लॉस हो गया, 13 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई करो तो हम 8 8 लेवरेज ले लेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे यार हम 8 गुना लेवरेज लेते हैं, $800 का माल लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा 1.39% स्टॉप लॉस लेना है मेरे को, अगर वो हिट होता है तो मैं 10% लूज कर दूंगा, यानी $100 में से 90 मेरे पास पड़े होंगे। मगर अगर मुझे 8.12% मिलता है प्रॉफिट टाइम्स 8, तो मैं 64% प्रॉफिट करूंगा, यानी $100 पे $64 बना लूंगा और 164 पे बैठ जाऊंगा। तो गेन हुआ तो 100 के 164, लॉस हुआ तो 100 के
90 समझदारी का काम है. डू यू ऑल अग्री विथ मी, येस और नो? राइट. तो आज मैंने आपको सिर्फ सिग्नल नहीं दिया, आपको मैंने लाइफ ट्रेड सिखाया. मुनीर, यू हैव अ क्वेश्चन? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. नहीं, मैं ये जो फरीद भाई आपने ये जो परसेंटेजेस दोबारा बताया ना, ये जो आखिरी वाली ट्रेंड लाइन जो आपने बनाई ऊपर जाता है और ये दो तीन ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है, ठीक है, ये दोबारा से एक बार छोटा मतलब समराइज करके रिपीट कर देते हो? ठीक है, मैं करता हूँ. तो देखो, हमने ओवरऑल क्या सीखा कि हमें ना बड़े ट्रेंड के हिसाब से छोटे ट्रेंड में जाना है. ठीक है, बड़ा ट्रेंड बता रहा था सेल की पोजीशन में है हम लोग, क्योंकि अभी यहां से मार्केट टकराई है और ये नीचे आ रही है, तो शायद यहां तक नीचे आए, क्योंकि एक दफा नीचे आ चुकी है, दो दफा, तीसरी दफा, उससे ज्यादा चौथी दफा भी नीचे आए. ठीक है, आई मे गो रॉन्ग, नीचे आके ऊपर भी निकल जाए, बट मोस्ट लाइकली नीचे आएगी क्योंकि ट्रेंड रिपीट कर रहा है. हम 15 मिनट पर आए और हमने कहा कि जिस तरह ये मार्केट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यहां भी दो तीन दफा टकराने के बाद हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी और हमने कहा था कि जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो मैं एंटर करूंगा और मेरा सपोर्ट लाइन जो होगा वो ब्रेक होगा. ट्रेंड लाइन यहाँ टूट गई थी और मैं यहाँ पे एंटर हुआ. देखो, एक चीज और सीख लो, डबल कॉन्फर्मेशन सीख लो, थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो. मेरे में भी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों में बनता है, ये पर्सनैलिटी इशू है. ठीक है, कुछ लोग लाइफ में अग्रेसिव हैं, कुछ बहुत पेशेंट है. जो पेशेंस वाले हैं वो बहुत फायदा उठाएंगे. ठीक है, देखो ये यहाँ पे आई, ट्रेंड लाइन टूटी ना, अब आपको मैंने समझा दिया, अब आपको क्यूरियोसिटी शुरू हो जाएगी, आपके पैसे उछलना शुरू हो जाएंगे, आप बोलोगे यार अभी घुस जाऊं. नहीं, इसको नीचे आके इसको टकराने दो. देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया है कि नहीं. रेजिस्टेंस कैसे बना, यहाँ पे जब ये टकरा रही थी, बाउंस करके जा रही थी, ठीक है, अब इस दफा इसने इसको बाउंस उल्टा करवाया, मतलब ये पैरों से टकरा रही थी, अब इस दफा सर से टकरा रही है. ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया. अब जब रेजिस्टेंस बन गया ना, आप यहाँ घुस जाओ, तो टेक्निकली आप इधर घुसोगे ना तो आपका स्टॉप लॉस क्या हुआ, सबसे ऊपर ले जाओ, और जो सबसे ऊपर विक थी ना उससे भी थोड़ा और ले जाओ, 1.08% लॉस है ना. अब आप अपना पोजिशन उस हिसाब से सेट करो कि 10 गुना का लेवरेज लेता हूं तो 1.08 times 10 10% टूट जाएंगे. आप पहले, एक बहुत अच्छा ट्रेडर है मेरा मुसलमान, वो कहता है आप पहले ही ट्रेड में घुसो ना तो सूरह फातिहा पढ़ लो कि ये मेरे $10 गए हैं. ठीक है, क्योंकि जब आप नहीं पढ़ सकते ना, उसका मतलब है आप बोलोगे यार मैं 20x का लेवरेज देता हूँ. तो जब आप बोलोगे ना, क्योंकि लोग ये देखते हैं ना तो लेवरेज बढ़ाते हैं नीचे की पोजिशन, बट जब ये देखे होगे ना तो लेवरेज कम लोगे. ट्रेड में रहना जरूरी है, लिक्विडिटी बचाना जरूरी है. यहाँ पे रहो, 10% का लॉस लो और नीचे तक आते हो, 80% मिल रहा है, बहुत है. राइट, ये आपको यहाँ करना है, हिस्ट्री रिपीट करनी है. ये ट्रेंड हो सकता है यहाँ हो सकता है यहीं से रिवर्स हो जाए, ऊपर तक ना आए, बट जब भी रिवर्स होना शुरू हो ना, देखो अभी एक ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करो मेरे साथ. यहाँ ये टकरा के नीचे जा रहा था, अब ये उल्टा टकराया है, वो ही हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, करेक्ट है ये पहली लॉजिक. अब यहां से ट्रेंड लाइन बनाओ, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, बनाते जाओ, देखो कहां तक आता है, हो सकता है ट्रेंड लाइन चेंज भी हो जाए. ठीक है, मेरे हिसाब से ये अभी एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको फिबोनाची की मदद से बताऊं तो मेरे को ऐसा लगता है ये मोस्ट लाइकली यहाँ से या तो यहाँ से टकरा के चला जाएगा, नीचे चला जाएगा. ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, मैं ट्रेंड प्रिडिक्टर नहीं हूँ, मैं ट्रेंड फॉलोअर हूँ. ठीक है, ट्रेंड प्रिडिक्टर बन के मैंने जिंदगी में बहुत लॉसेस ले ली, इसलिए मैं आपको उससे दूर रहने को कहूंगा. आप ट्रेंड फॉलोअर बनो, जब आपको लगे ना ट्रेंड लाइन टूट गई,
और उस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद अब वो रेजिस्टेंस बन गए, अब उससे ट्रेड उल्टा टकरा रहा है, सर के बल टकरा रहा है, आप घुस जाना नीचे तक की एंट्री। क्लियर है? होप दिस हेल्प्स यू। इस वीडियो को एक दो दफा देख लेना सुबह उठने से पहले और सोने के बाद, फायदा होगा। ठीक है? एंड बट इन प्रेयर्स इंशाल्लाह एंड प्ले सेफ। ठीक है? अजीम यू हैड अ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर विल क्लोज टुडे। ये अपने फॉलोअर ट्रेंड का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? ट्रेंड ट्रेंड आपने कहा ट्रेंड फॉलोअर ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड का मतलब है कि देखो ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से टकरा टकरा कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो ट्रेंड का मतलब है ऊपर की मार्केट है ना, तो मैं इसमें ऊपर ही घुसूंगा, नीचे नहीं घुसूंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक जमाने में हमने भी इसमें बहुत लॉसेस किए, हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, हम समझते हैं यार मार्केट ऊपर जा रही है ना, मैं अलग अलग काम करूंगा, मैं नीचे आऊंगा, मैं मार्केट से उल्टा के, उसमें आपके सारे पैसे टूट जाते हैं। बिकॉज आप सोचते हो कि यार मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि मार्केट यहाँ से मुड़ेगी, मार्केट वहां से नहीं मुड़ी तो आपके पैसे टूट गए, फिर आप बोलोगे मैं वापस प्रिडिक्ट करता हूँ और टूट गए, वापस प्रिडिक्ट करता हूँ और टूट गए, तो आपके 100 रुपए थे, 1,000 रुपए थे, 1 लाख रुपए थे, सब खत्म हो गए। अब आपके पास नॉलेज बहुत है बट जेब में पैसे नहीं बचे, तो वो रिस्क मत लेना, आइंस्टाइन मत बनना। अभी हम छोटे हैं, बच्चे हैं, वी आर बियर्ड, बी लाइक बेबीज, लो करो, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, तुमको बाय में घुसना है, यहाँ से घुस जाओ, ठीक है, वापस नीचे टकराएगी, बाय में घुसना है, यहाँ से घुस जाओ, लेकिन उस तरह का छोटा छोटा काम करो, पूरा दिन देखते रहो, यू विल गेट अ हेडेक इनटू इट। इससे बेहतर है ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करो, जैसे ही ट्रेंड टूटेगा बहुत तेजी से स्टॉक करेगा, वहां घुस जाओ। ठीक है? अब्दुल रहमान, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? ऑल गुड, ठीक है, यू नीड टू अनम्यूट योर सेल्फ टू आस्क द क्वेश्चन। यू माइट नीड टू अनम्यूट योर सेल्फ अब्दुल रहमान, अनम्यूट अनम्यूट, आई कैन नॉट हियर यू, क्लिक ऑन द माइक बटन ऑन जूम। चलो विद द, यस गो अहेड, यस वी कैन हियर यू रहमान, हेलो सर, अस्सलाम यस, वालेकुम। वालेकुम हेलो सलाम। सर, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ। ओके, यस सो नो प्रॉब्लम, गुड, सो एवरीवन क्लियर, रूमा एवरीवन, इफ यू हैव एनीथिंग फॉलो दिस, आई विल पुट द वीडियो रिकॉर्डिंग हियर, प्रैक्टिस इट, व्हाट आई हैव टीच यू, ट्राई टू फाइंड गोइंग बैक इन द ग्राफ इन बिटकॉइन टुडे, गो एज बैक 5 days, 10 days, ट्राई टू प्लॉट द ट्रेंड लाइन, सी के ट्रेंड लाइन कब ब्रेक हुई है, नीचे आया है वहां पे डमी ट्रेड लो, ठीक है, खेलो, पीछे जाओ और पीछे जाओ, यू नो और पीछे जाओ, देखो ट्रेंड लाइन टूटी कहाँ पर है, ठीक है, देखो ट्रेंड लाइन कहाँ टूटी है, ठीक है, इस पर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करो, ये ट्रेंड लाइन बनाओ, ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे आया है ट्रेड, गुड, ठीक है, कितना नीचे आया है ट्रेड, ठीक है, यहाँ ट्रेंड लाइन बनाओ, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ट्रेड नीचे आया है, ठीक है, कितना नीचे आया है, ठीक है, और पीछे जाके देखो, यहाँ ट्रेंड लाइन बनाओ, ठीक है, यहाँ नहीं बन रही, देखो ट्रेड डबल टॉप के लिए यहाँ तक आया है, ये डबल टॉप बनाया है, फिर नीचे आया, कितना आया, इस दफा पूरा नीचे नहीं आया, 70% पोजिशन नीचे आया है, ठीक है, लर्न करो, अपनी आईज को ट्रेन करो, अपनी ग्रीड को ट्रेन करो, अपने आप को समझाओ कि आप और मैं जो कर रहे हैं हम गलत हो सकते हैं, 100 दफा गलत हो सकते हैं, तो इसलिए इतना लॉस बर्दाश्त करो जिसके बाद पैसे पड़े हो अकाउंट में, ठीक है, बहुत बड़ा झटका नहीं लो कि एक ही झटके में सब वाइप आउट हो जाओ, तो हमेशा रेड स्क्रीन को देख के चलो, ग्रीन स्क्रीन को देखोगे तो ग्रीड बढ़ेगी, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू, ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन स्किल है, जिस तरह हमने डिफरेंट आईटी अकाउंट स्किल दी, इसको कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, और यूएस में ये बच्चों को हाई स्कूल में भी सिखाया जाता है, बट ये जो स्किल हम बात कर रहे हैं ये बहुत महंगा है, सो गुड लक, प्रैक्टिस इट एंड इंशाल्लाह वी ऑल विल बी इन अ डिफरेंट शेप, ठीक है।